2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर के एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था मोहनदास करमचंद गांधी का, जो आगे चलकर बने भारत भाग्य विधाता, जिन्होंने बिना तलवार बिना बंदूक बस एक अहिंसा के हथियार के बल पर भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करा दिया, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अहिंसा में कितनी शक्ति है। पूरी दुनिया में उनका ऐसा यश है कि आज भी लोग उनका नाम ऐसे ही नहीं लेते, कोई उन्हें बापू, कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता जैसी उपमाओं से संबोधित करता है। आइए जानते हैं गांधी जी को क्यों कहा जाता है बापू। स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना सब कुछ त्याग देने वाले बापू का जीवन हमेशा सादगी से भरा रहा। उनका जीवन किसी साधक से कम नहीं था। बापू ने हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार के नियम का पालन किया और लोगों को भी इसकी प्रेरणा दी। एक धोती और लाठी के साथ उन्होंने कई पदयात्राएं की, कई बार कारागार का सफर भी तय किया, लेकिन तनिक भी विचलित नहीं हुए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक किसान ने उन्हें बापू कहकर संबोधित किया था। उसके बाद से ही लोग उन्हें बापू कहने लगे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। 12 अप्रैल 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बापू को महात्मा कहकर संबोधित किया था। हालांकि कुछ लोग का मानना है कि 1915 में राजवैद्य जीवराम शास्त्री ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेताजी ने 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता का स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान है। इसी के बाद से गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का इस्तेमाल होने लगा। 1948 में भी बापू की हत्या के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए कहा था, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिना हिंसा के स्वतंत्रता संभव है, लेकिन महात्मा गांधी ने ये कमाल कर दिखाया। दुनिया में उनका कद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की आज़ादी के 68 साल बीतने के बाद अंग्रेज अपने सबसे बड़े दुश्मन की प्रतिमा अपने देश में लगाने को मजबूर हो गए। बापू की कई प्रतिमाएं और स्मारक उस अमेरिका में भी हैं, जहां वो अपने जीवन में कभी गए ही नहीं। चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, स्पेन, इराक, इंडोनेशिया समेत दुनिया के 84 देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं हैं। बापू आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सिद्धांत आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बापू का नया भारत उनके दिखाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहा है और वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। VK News, राष्ट्र के नाम।